कार्यालय है एडीएफ फूड्स लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ ही स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 300 तक का जंप दिखाया स्टॉक ने और वहां से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद देख सकते हो इससे पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई थी, ऑलमोस्ट 270-274 का लेवल, उसी लेवल पर सपोर्ट लेता का नज़र आ रहा है। एक जंप आया, अगेन गिरावट आई, तो इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं किया 270 के लेवल को। इसी सपोर्ट के ऊपर एडीएफ फूड्स हमको काम करता नज़र आ रहा है। अगर इसके चार्ट पैटर्न को हम देखें तो देख सकते हैं लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है। लगातार स्टॉक में हमको तेज़ी देखने के लिए मेरे अप ट्रेंड दिखाता हमको नज़र आ रहा है। यहाँ से और अपसाइड के चांस एडीएफ फूड्स में आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब अगर 270 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 260 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और इस ब्रेकडाउन के साथ, इस गिरावट के साथ, ये जो लो है जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था 224-220 का लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेगा एडीएफ फूड्स के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं स्टॉक अप ट्रेंड में ऊपर की ओर कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकआउट जिस लेवल का किया है उसी पर सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन नहीं कर रहा, तो ब्रेकआउट के चांस यहाँ से बन रहे। और चार्ट पैटर्न भी हमसे यही कह रहा है कि जब भी गिरावट के बाद स्टॉक बाउंस बैक करता है, जंप आता है, तो अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट देता है। तो अब यहाँ से इमीडिएट टारगेट को डिस्कस करें तो 280 का लेवल अपना पहला टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 300 का लेवल, हालांकि रेजिस्टेंस है, लेकिन देख सकते हैं दो दफ़ा स्टॉक टेस्ट कर चुका है, यहाँ से गिरावट आई है और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया ब्रेकआउट के चांस बने हुए। तो 280 के ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट 300, और 300 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो 320 से लेके 340 तक के भी टारगेट फिर एडीएफ हमको दिखा सकता है, यहाँ तक का भी जंप देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।